આપણે બે આ ને પાંચ લોકો અમે અંદર બે છોકરાઓ સાથે. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारे आज के इस अगेन एक नए ट्रैवलिंग व्लॉग के अंदर. तो इस व्लॉग के अंदर हम लोग जा रहे हैं सूरत से लेकर गोगा तक. जी हाँ, सूरत से लेकर गोगा तक, वो भी रोरो फेरी के अंदर. रोरो फेरी एक्चुअली एक ऐसा जहाज है जिसके अंदर आप खुद तो ट्रैवल कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आप आपकी बाइक, आप आपकी कार, आप आपकी बस या फिर आप आपकी ट्रक, किसी भी चीज़ को लेकर जा सकते हैं. सबसे मेन बात यह है कि इस रोरो फेरी के अंदर कि आप ये जो देख पा रहे हैं कि ये सूरत से गोगा तक चलती है. अगर बाय रोड हम लोग जाएं तो करीबन 370 किलोमीटर के आसपास भावनगर पड़ता है, और यहाँ से अगर हम लोग बाय सी के थ्रू जाएं तो करीबन ये 90 किलोमीटर की दूरी होती है, अप्रॉक्सीमेट 50 नॉटिकल माइल के हिसाब से. दोस्तों, अगर हम इस रोरो फेरी के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो टिकट्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल तीन तरह की टिकट्स हैं. एक जो टिकट हमें यहाँ पर मिलती है वो एग्जीक्यूटिव क्लास की, जहाँ करीबन 625 रुपये के आसपास की है. जो प्राइस है थोड़ी सी वेरिएबल होती है यहाँ पर, जैसे सैटरडे संडे या फिर नॉर्मल है तो उसमें कुछ 50 या 100 रुपये का डिफरेंस पड़ता है. इसके बाद में VIP है या फिर बिजनेस क्लास जिसको बोलते हैं वो है, उसके अंदर करीबन 800-850 के आसपास के टिकट है. और जो थर्ड टाइप की आपको यहाँ पर जो टिकट्स देखने के लिए मिलेगी वो है कैम्बे लॉन्च, और जो करीबन 1700 के आसपास की, जहाँ पर आपको सोफे मिलते हैं. इसके साथ में अगर आप यहाँ पर आपकी बाइक लेके आते हैं तो करीबन 500 रुपीज़ के आसपास की टिकट है, और अगर आपके पास में कार है तो कार की 1400 या फिर 1300 के आसपास की एक कार की टिकट रहती है. दोस्तों, यहाँ पर जब भी आप शिप के ऊपर आते हैं तो हमारी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो लाइफ सेफ्टी जो जैकेट्स हैं वो आपको कुछ इस तरह के बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिलेंगे. अगर आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से उठा सकते हैं. और यहाँ का जो स्टाफ है, क्या नाम है आपका? इंदर कुमार. इंदर, तो ये है इंदर कुमार जी, और काफ़ी कोऑपरेटिव यहाँ की टीम है. जहाँ पर भी मैंने बोला कि मुझे कुछ शूट करना है तो पूरा का पूरा कोऑपरेट किया. सो थैंक यू वेरी मच इंदर कुमार जी. और जो लोग पहली बार शिप पे बैठते हैं वो कुछ इस तरह की हरकतें करते हुए आपको नजर आएंगे. अगर मैं बात करूं यहाँ पर फूड की, तो यहाँ पर आपको कैफे मिल जाता है जहाँ पर आप रिजनेबल रेट के अंदर एक अच्छा नाश्ता कर सकते हैं. उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे. यहाँ पर फूड लाना अलो नहीं है, यानी मतलब आप यहाँ पर फूड ला के खाना नहीं खा सकते हैं. और इसके साथ साथ में एक चीज़ मैं आप सब लोगों से बोलना चाहूँगा कि जब भी आप कुछ ऐसी जगह पर जाते हैं तो कभी भी वहाँ पर कचरा मत करिए, वहाँ पर थूकिए मत. हर जगह पर यहाँ पर शिप पे बोर्ड लगा के रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग हैं कि हमारे देश के मानते ही नहीं हैं. तो मैं एक बार उन लोगों को बता दूं कि यहाँ पर उनको अगर कचरा फेंकना है या फिर थूकना है तो कहाँ थूकना है. अगर बात करें यहाँ पर क्लीनिंगनेस की, तो कंटिन्यूसली यहाँ पर क्लीनिंग के लिए स्टाफ है, जो काफ़ी अच्छी क्लीनिंग मुझे यहाँ पर शिप के ऊपर देखने के लिए मिल रही है. सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस यहाँ के कैफेटेरिया की, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन मुझे यहाँ का कैफेटेरिया लगा, कि काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से. और आपको मिल जाता है यहाँ पर काफ़ी सारे बेवरेजेस हैं, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी. और यहाँ पर हमारे पास में हैं, आज हमारे साथ में हैं कैफेटेरिया के ओनर हैं. सर आपका नाम? कृपा नारायण. कृपा नारायण जी, क्या क्या बना लेते हैं आप यहाँ पर? सैंडविच है, बर्गर है, समोसा है, पोहा है. ओके. पाव भाजी है, मंचूरियन है,
फ्राइड राइस है, गार्लिक ब्रेड है, पिज्जा है, क्या बात है, बहुत सारे रेट है। सो देखते हैं आप क्या बनाएंगे अभी, ये बताइए। यस श्योर। क्रंची और जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही टेस्ट मुझे यहाँ पर इस सैंडविच का लग रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन टेस्टी यहाँ पर मुझे इस सी के अंदर सैंडविच खाने के लिए मिला। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर कि आप कोई भी टिकट ले लें, चाहे वो 625 वाली हो, रेगुलर एग्जीक्यूटिव कुछ भी हो, लेकिन आप पूरे के पूरे शिप पे आप घूम सकते हैं। आप ये जो 4 घंटे की जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ की टिकट्स को बुक करना चाहते हैं तो हमने ये जो टिकट बुक करी है वो है राही हॉलीडेज़ के थ्रू बुक करी है। उसका भी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसके साथ साथ में आपको आप डायरेक्ट भी बुक कर सकते हैं। उस वेबसाइट की लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। ओवरऑल अगर मैं इस शिप के अंदर बात करूँ तो काफ़ी एंजॉयबल हमारा ये ट्रिप हो रहा है, और समंदर के अंदर एक जहाज है और जिस पर आप हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। 4 घंटे की अप्रॉक्सीमेट ट्रिप होने वाली है। ये जो शिप है वो सूरत में 8 बजे शुरू होती है, तो आपको करीबन 1 घंटे पहले पहुंचना होता है। 8 बजे से लेकर 12 बजे यानी कि 4 घंटे के अंदर ये 90 किलोमीटर का जो रन है वो कंप्लीट कर लेती है। 12 से 15 नॉटिकल माइल अप्रॉक्सीमेट 25 या 30 की स्पीड से ये शिप चलती है यहाँ से, और आप गोगा पहुँच जाते हैं अप्रॉक्सीमेट 12 बजे के आसपास। अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए डेस्क के ऊपर, और बस कुछ इसी तरह से हम हमारा टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। करीबन अभी जो टाइम हुआ है वो मैं आपको बताऊँ, 11:15 हो चुकी है और आधा पौन घंटा और बाकी है, और आधे पौन घंटे के अंदर हम हमारी डेस्टिनेशन पर होंगे। अभी हमारे सामने यहाँ पर ये जेटी आप देख पा रहे होंगे। सो अभी ये जो शिप है हमारा, जो मेन रोरो फेरी है, उसका जो RPM है मतलब इसकी स्पीड काफ़ी कम कर दी जाएगी ताकि वो अच्छे से पार्क हो पाए, और एग्जिट लोकेशन तक इसको पार्क करने के लिए छोटा जो शिप आ रहा है आप उस तरफ देख पा रहे होंगे, थोड़ा दूर दिख रहा होगा, तो वहाँ से वो शिप आएगा और इसको वहाँ तक लेके जाएगा। ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है अलग अलग टाइप की जो हमें नहीं समझ में आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको आज पूरा इसका जो प्रोसेस है वो बताने वाला हूँ। बड़े रोरो फेरी को ये जो छोटा शिप है वो इसको पुश कर रहा है, धक्का मारकर इसको इसके डेस्टिनेशन तक लेके जा रहा है।
ये आई थिंक मैंने भी पहली बार देखा है। ये जो शिप है वो इसके साथ में जो आगे रोड है वहाँ पर जो बस खड़ी है वहाँ पर ही अटैच हो जाएगा और जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सभी यहाँ से होते हुए निकल जाएगी और जो लोग गाड़ियाँ लेके नहीं आए हैं उनके लिए वहाँ पर जो बस है वो बस के अंदर उनको बैठा कर बाहर की तरफ निकाला जाएगा। अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि लास्ट मेरा ही पेंडिंग में रहा था और यहाँ पर ये गाड़ियाँ कुछ इस तरह से निकल रही हैं। सो फाइनली ओवरऑल हमारी जो जर्नी थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। हम लोग जेटी के बाहर आ गए, मतलब जेटी से भी इस तरफ आ गए, एक छोटा सा ब्रिज था और वहाँ से हम लोग पूरे इस प्रोसेस से होके निकले। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मेरी जर्नी रही और आपको भी काफ़ी सारी चीज़ें इस रोरो फेरी के अंदर समझ में आई होगी। जो भी प्रोसेस मैंने बताया, जितना भी मैं बता पाया आप लोगों को, जितना मैं शूट करके बता पाया, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो सो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ में कुछ नए वीडियो के अंदर। तब तक आप सब लोगों का हमारे इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।